अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, फुटबॉल पाकिस्तान .com FPTC की तरफ से मैं हूं अली हसन। आज हमारे साथ मौजूद हैं हारिस बिन हारून, प्रेसिडेंट ऑफ पोपो फुटबॉल क्लब इस्लामाबाद। एक ऐसी टीम है जिन्होंने अभी पिछले साल के अंदर नेशनल फुटबॉल चैलेंज कप में अपने रिलेटिवली यंग स्क्वाड के साथ पूरे पाकिस्तानी फुटबॉल को हैरान कन रख दिया और काफी लोग खुश हुए उनकी प्रोग्रेस से। हारिस भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब सही सलामत से होंगे। तो आपकी जो टीम इस्लामाबाद में आजकल आप बेस्ड होते हैं, मैंने गौर किया कि आपके पास एक रिलेटिवली एक यंग स्क्वाड है, मोस्टली टीनेजर्स जो कि अभी आहिस्ता आहिस्ता जिन्होंने इमर्ज हुए हैं, कुछ प्लेयर्स जिन्होंने भी पाकिस्तान नेशनल टीम के यूथ टीम्स के लिए खेले, जैसे मोहम्मद रहा जो आपकी टीम के कैप्टन है डेवलपमेंट स्क्वाड के, इसके साथ साथ महमूद खान मसूद जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए आजकल अब खेलते हैं साथ साथ में। तो कैसा लगता है कि जब आपकी टीम के जो होनहार नौजवान हैं वो प्रोफेशनल फुटबॉल के अंदर कदम उठाते हुए और एकदम से अपने आप को साबित करते हुए दे ट्राइंग टू प्रूव देमसेल्व्स इन द एक्चुअल स्पोर्ट एट अ नेशनल लेवल, कैसा लगता है आपको देखते हुए? एक्चुअली इट फील्स वेरी गुड कि जब आप एक स्ट्रगल कर रहे हो ओवर इयर्स, आप एक स्ट्रगल कर रहे हो और एट द एंड ऑफ द डे आपके पास जो रिजल्ट है दैट्स वेरी फ्रूटफुल। कि वन ऑफ आवर प्लेयर्स मोहम्मद ताहा, ही रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान अंडर 16, वन ऑफ आवर प्लेयर्स मामून मूसा खान, ही रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान अंडर 19 एंड बोथ वर द वाइस कैप्टन्स ऑफ देयर टीम। और फिर उस्मान खान, ही वाज द गोलकीपर ऑफ पाकिस्तान अंडर 16, ही इज फ्रॉम पोपो डेवलपमेंट स्क्वाड एज वेल। सो इट लुक्स वेरी गुड टू हैव दिस किड्स विद अस। And over the period जो struggle मैंने किया, I know what I've gone through or I know what I've been doing for these kids for over 8 or 9 years. So मुझे पता है कि what it takes to make a footballer. Or I can feel his pain as well. So it is kind of very good for me कि something like this is happening at my club. जबरदस्त जी। अच्छा, आपके club का वैसे बड़ा एक unique नाम है पोपो। पोपो नाम की ओरिजिन स्टोरी क्या है कि ये नाम कैसे इमर्ज हुआ और ये फुटबॉल क्लब के साथ कैसे साथ में? बिकॉज़ बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि यू नो व्हाट काइंड ऑफ नेम इज पोपो, तो क्या पोपो की जो स्टोरी है ओरिजिन स्टोरी आप बता सकेंगे कि पोपो नाम कैसे आया? आई एम रियली सॉरी, पोपो बेसिकली इज अ निकनेम जो कि मेरा निकनेम था। अच्छा। एंड इवेंचुअली इट वेंट ऑफ सो वेल के पोपो को पूरा पाकिस्तान जानना शुरू हो गया। तो जब एक टीम बनी पोपो के नाम से, एक स्टूडेंट था मेरा, ही मेड दिस टीम। तो जब एक टीम बनती है और उसका इतना नाम होता है तो आई कुडंट जस्ट चेंज द नेम एकदम से ना। तो फिर टू जस्टिफाई दैट वी रजिस्टर्ड एन एनजीओ इन द नेम ऑफ पोपो, दैट इज पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिलेंथ्रोपी एंड ऑब्लेशन। So now basically POPO is a trust, is an NGO which is working for youth development in Pakistan. Zabardast, kyunki maine gaur kiya na ki bahut sare jo naam jo typical hote hain football clubs ke duniya bhar ke andar wo kisi shehar ke sath kisi community ke sath munsalik hote hain. If you look at the names of clubs in South America jaise Bolivia ke andar khas taur pe kisi team ka naam hai the strongest, किसी टीम का नाम है एस्टुडियांटेस जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की कॉलेज स्टूडेंट्स की टीम थी। पोपो एक यूनिक सा नाम है, तो मैं समझता हूँ कि दिस इज, और ये अच्छी बात है आपने कहा कि पोपो इज नाउ पार्ट ऑफ एन एक्चुअल एनजीओ, तो इट एक्चुअली रिप्रेजेंट समथिंग अदर देन जस्ट यू नो एन इंडिविजुअल्स निकनेम, तो ये एक अच्छी बात थी। तो क्लब की शुरुआत कैसे हुई थी, हाउ डिड पोपो एफसी बिगिन? एज अ क्लब इनिशियली इट वाज जस्ट फॉर फन। Seriously, it was, I never thought that I would go that far in football in Pakistan because उस time पे मैं भी अपने youth years में था और फिर मैंने मतलब खुद एक initiative लिया, तो मैंने मतलब इतना नहीं सोचा था कि I would go so far in football. फिर I started training myself or training my kids जो मेरे साथ थे उस time पे, फिर हमने खुद start किया, करते 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 इतना मतलब अल्लाह का शुक्र एक सक्सेस रेट इतना ज्यादा था पोपो का कि इवेंचुअली आई हैड टू मेक इट प्रोफेशनल, क्योंकि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल फुटबॉल इन पाकिस्तान वी हैव टू मेक थिंग्स एट आवर होम प्रोफेशनल फर्स्ट। तो मैंने फिर उधर से इसको एकदम से एक शिफ्ट था बहुत बड़ा मेरे लिए, इसको मैंने एकदम से किया और
मतलब वो हमें जस्टिफाई करना था कि व्हाट वी आर डूइंग और व्हाट वी आर टॉकिंग इज द सेम। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी रिसेंटली मैंने गौर किया था कि आपने काफ़ी माशाल्लाह से आपके क्लब की काफ़ी एक सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया प्रेजेंस है कि आपने प्लेयर्स की प्रोफाइल्स, आपने जो भी इवेंट्स आप अटेंड करते हैं पाकिस्तान, क्या कहते हैं, अक्रॉस पाकिस्तान, चाहे इस्लामाबाद में हो चाहे वो स्वाबी साइड पे हो, आपने किया था साथ साथ में। व्हाट्स द विजन के पोपो एफ सी, पोपो फुटबॉल क्लब का, अब आप लॉन्ग टर्म विजन क्या सोचते हैं इन टर्म्स ऑफ playing style, in terms of development, in terms of recruitment, etc., facilities, is tarah ki aap kya sochte hain, what is the long term vision for popo according to you? Let me make it very clear, popo ka jo vision hai na, jo mission hai hum logo ka, that is to develop players for their professional careers. Hamara there is no stake of popo involved in this. Hum log chahte hain ki hum players ko develop kare taaki unka ek professional career ban sake, aur uske liye hum log जितना मैक्सिमम इनपुट दे सकते हैं हम लोग दे रहे हैं, और वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग आउट ऑफ पोपो। इट इज अ फ्री फॉर ऑल क्लब, जिसमें हम लोग प्लेयर्स को स्काउट करते हैं एंड देन वी कीप देम एट आवर हॉस्टल, वी ट्रीट देम एज आवर ब्रदर्स एंड वी ट्रेन देम प्रोफेशनली एट पोपो, एंड दैट्स ऑल डन फॉर देम, उनके प्रोफेशनल कैरियर के लिए। सो विजन पोपो का यही है टू क्रिएट a group of extraordinary players for Pakistan obviously, and then for international market, jisme wo jaake khel sake, apne aap ko prove kar sake, Pakistan ke talent international market mein showcase kar sake. I think for the last couple of years Popo football club ke paas aajkal jo main head coach hain wo hain former Pakistan national team ke coach, former technical director Pakistan football federation Mr. Shahzad Anwar. तो शहजाद अनवर के आने से, शहजाद भाई के आने से, व्हाट वाज़ द फंडामेंटल चेंज कि जिसकी वजह से ही मैनेज्ड टू टेक योर फुटबॉल क्लब टू द नेक्स्ट लेवल? मतलब किस तरह आपकी उनसे बातचीत हुई थी, किस तरह आप उनको टीम में लाए, और उनके आने से पोपो एफसी में क्या एक विजिबल इम्पैक्ट आया उनकी कोचिंग, उनकी लीडरशिप की वजह से इन पोपो एफसी? हम सबको कहीं ना कहीं पता है कि शहजाद अनवर इज अ बिग नेम इन पाकिस्तानी फुटबॉल, और जब तक मैं पोपो के साथ बीइंग अ कोच में काम कर रहा था, आई एम बेसिकली नॉट अ कोच, तो मैं जिस तरह काम कर रहा था, आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट टू वर्क ऑन द किड्स, लेकिन फिर वो वाली बात है कि जब आप चेस खेलते हैं तो यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड, तो फिर मुझे फील हुआ दैट आई नीड टू स्टेप बैक एंड ब्रिंग समवन प्रोफेशनल फॉर द क्लब टू मेक इट प्रोफेशनल, क्योंकि obviously when we are talking about FIFA, when we are talking about AFC, we are talking about clubs who have coaches jo licensed coaches ho, to Shahzad Anwar is a professional licensed coach, aur unke aane se club ki philosophy change ho gayi, jo game style tha totally change ho gaya, hum log tiki taka pe aa gaye, hum log build up ke upar aa gaye, hum log matlab totally ek bahut bada change tha jisko logon ne acknowledge kiya challenge cup mein hame dekh kar, but playing against KPT was a dream before Shahzad Anwar, and playing against KPT after Shahzad Anwar and drawing against that big team, big name, was a dream come true for these young kids. Jo 17-18 saal ke bacche hamare paas hai apne development squad mein, unke liye KPT se khelna aur KPT ko draw karna aur Saif Textile ko draw kar se jeetna ek departmental league mein, it is a huge change jo sabko nazar aaya, jisko logon ne acknowledge kiya baad mein. So Shahzad Anwar basically changed the playing style of Popo FC. Bilkul, kyunki Karachi Port Trust jo hai, it is probably the still oldest existing football team in Pakistan proper. I think 1930s mein KPT ne apni football team start ki thi, jo local tournaments mein khelte the. KPT ka ek naam tha ki ye Liari, Malir, Kurangi ke jo ladke the Karachi ke andar, unko recruit karte the. उनका एक शॉर्ट पासिंग गेम स्टाइल था, एक जमाने में उनको केपीटी को कहा जाता था कि कराची की आर्सेनल है, कि जिस तरीके से खेलते थे, दे प्लेड अ वेरी एंटरटेनिंग काइंड ऑफ फुटबॉल. तो वो जो 2-2 ड्रॉ था केपीटी के साथ पोपो एफसी का, दैट रियली मेड पीपल स्टैंड अप एंड रियलाइज, ओह हैंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर, ये कहां से टीम अचानक आ गई. एंड और आई थिंक द बेस्ट पार्ट वाज दैट वी वर विनिंग टिल द 80th मिनट एंड वी कंसीडेड अ गोल एंड that match went for a 2-2 draw.
वो एक बड़ा बूस्ट था, बहुत बड़ा बूस्ट था बच्चों के लिए. Because I'm fairly certain के after the match, हालांकि क्योंकि वही था ना कि at one stage Popo was actually leading the score line, but आखिर में KPT managed to get a draw back. I think उनके main striker और captain है Mohammed bin Yunus, he scored both goals against Popo if I'm not wrong. तो what was the atmosphere like in the dressing room? I think आप साथ थे team के जब ये matches हो रहे थे लाहौर के अंदर. जी मैं साथ. What was the atmosphere like in the dressing room after the match concluded? जब final whistle होती, तो what was the mood like in the dressing room? It was like winning against a great club, a great department. लेकिन we कहीं ना कहीं we were focusing on our next match. Shahzad Anwar साहब के KPT के जब match था हमारा, Shahzad Anwar lost his father that a day back, और he had to go back to Sargodha, और we were without our coach. फिर आपका आई थिंक केआरएल के साथ मैच था जिस व्हिच वाज क्वाइट अ हैवी डिफीट अनफॉर्चूनेटली, और अभी आई थिंक आपकी टीम जो है दे आर आल्सो प्लेइंग ए 3-match series विद केआरएल, जो कि आई थिंक आर्ग्यूएबली द मोस्ट सक्सेसफुल पाकिस्तानी फुटबॉल डिपार्टमेंट अराउंड हियर. पाकिस्तान प्रीमियर लीग जो पिछली हुई थी दे वर एक्चुअली वन एंड टू. तो उस डिफीट की वजह से लोगों ने काफी सोशल मीडिया पे रिएक्शन भी आया, कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन बहुत सारे ने बड़े सपोर्टिव थे कि भाई a team of teenagers going all the way, going toe to toe with the major departments was still a boot for us. To us defeat ki wajah se bachchon ko kuch zyada disheartening to nahi hui thi, because it might be a bit of a trauma for young kids to face a scoreline like that. So I hope it wasn't too much of a problem for the kids over there. Matlab mujhe nahi samajh aata hai ki what is wrong in losing to a team who are the best in Pakistan, or that too with a much younger side. और जो स्कोर लाइन था ऑब्वियसली दैट वाजंट गुड एट ऑल. लेकिन आप देखें एक अनलाइकली स्कोर लाइन था जो कि ऑन दैट स्पेसिफिक डे हो गया. लेकिन कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए कि एक टीनेजर्स जो जिस टीम की एवरेज एज 17 साल थी इस चैलेंज कप में, एवरेज एज 17 साल थी पूरी टीम की, वो टीम आउट ऑफ नोवेयर जाती है, 4 points ग्रुप में लेती है, एंड दे लूज टू द बेस्ट टीम ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, तो आप किस तरह आप एक मैच के ऊपर पूरी टीम को क्रिटिसाइज कर सकते हैं? तो जिन लोगों ने किया, खैर उससे मोटिवेशन पड़ी थी हमें, टीम बहुत मोटिवेटेड है अभी भी. हमारे केरल से वी आर प्लेइंग 3-match series. कल 2 दिन पहले हमारा एक मैच हुआ एंड दैट वॉज अ 2-0 लॉस अगेंस्ट केरल. तो स्कोर लाइन डिफरेंस है, 2-0 इज लाइक द गैप इज गेटिंग क्लोजर. कल अभी हमारा अगला मैच है, एंड देन वी हैव अ थर्ड मैच ऑन 19. सो वी आर गेटिंग क्लोजर, इंशाल्लाह रिजल्ट्स चेंज होंगे और लर्निंग स्टेज में बचे सारे. बिल्कुल, और ये एक बड़ी अच्छी जबरदस्त चीज है, एंड दिस शुड बी अ मोटिवेशन टू प्रोग्रेस इवन फर्दर. तो पूछना था आपसे, क्रिटिसिज्म इज फॉर मी अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन. तो मुझे बुरा नहीं लगता अगर कोई बच्चों का मजाक उड़ाता है, तो बच्चों का मजाक उड़ा के आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट विद दैट. एंड आई थिंक ये एक बड़ा जबरदस्त स्टेप है. मैं समझता हूँ कि डिफीट, लूजिंग एंड विनिंग इज पार्ट ऑफ द गेम, कोई बात नहीं. यू मूव, यू गैदर योरसेल्फ अप, यू डस्ट ईच अदर ऑफ, यू मोटिवेट ईच अदर, देन यू गो बैक अगेन, बिकॉज फुटबॉल नेवर एंड्स, फुटबॉल नेवर स्टॉप्स. अच्छा, तो आपका वैसे फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ एज ए फुटबॉल क्लब क्या था? आपने, हैव यू कम अक्रॉस AFC क्लब लाइसेंसिंग इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू मेक पोपो फुटबॉल क्लब ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव, a more professionally run, a more robust institution in the coming years for now? Okay, Popo is almost ready to license itself with AFC. Hum log almost we have completed all our documents jo chahiye hote hain, and then our future is with some of the Brazilian clubs jinke sath hamare contracts ho chuke hain, and we are sending our kids out there to Brazil for professional training camps. And that too on the expense of those clubs in Brazil, not at our expense. So this is a
for me is a breakthrough in for Pakistani football. Or inshallah, mujhe to I see football going towards towards betterment in Pakistan. Meri nazar mein. Jo bhi unfortunate waqiat hue hain past mein ya jo chal rahe hain, ye this is a process of a new building. Or inshallah, within next couple of months, you'll see a difference in football in Pakistan. For me, this is what I predict. Zabardast ji, bilkul. Aur ye waise acha aapne yaad dila diya. ब्राज़ीलियन टूर का, आई थिंक कोविड की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस आई थी, जैसे आपका जो टूर था वो थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ा बार बार पे. और चूंकि शहजाद भाई के पास काफी अच्छे ताल्लुकात हैं विद ब्राज़ीलियन क्लब्स, दे मस्ट हैव गॉटन यू इन टच विद देम सो दैट कुछ ना कुछ एक अरेंजमेंट हो साथ साथ में, एक अच्छी चीज है. तो ब्राज़ील के साथ साथ हैज पोपो, आप क्या आपने सोचा है कि डिफरेंट अकेडमीज, डिफरेंट सेटअप जो कि जैसे यूएई के अंदर हैं या डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द मिडल ईस्ट हों या यूरोप हों, उनके साथ आप एक पार्टनरशिप की थोड़ी बहुत एक आइडिया ब्रेनस्टॉर्मिंग तो कर रहे हो ना साथ साथ में? नहीं, फिलहाल जो हमारा टारगेट मार्केट है दैट इज साउथ अमेरिका, बिकॉज़ देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट कि हम लोग वी आर विलिंग टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट एंड द बेस्ट आर देयर इन ब्राजील एंड अर्जेंटीना एंड ऑल द साउथ अमेरिकन कंट्रीज. तो अभी हमारा जो प्लान है दैट इज टू गो ऑन दैट साइड फॉर फर्स्ट एंड देन लेटर ऑन वी आर गोइंग टू गो टू यूरोप. We are not planning to go to Middle East or Gulf. हम लोग उसे जाने के भी उसमें नहीं है क्योंकि they do not prefer Pakistani players over their own nationality players. तो इसलिए हम लोगों का plan यही है कि to take our players out there to Brazil और वहाँ पे हम लोगों का जो contract है Brazil South America की side पे हम लोगों का ज़्यादा इस time पे हमारा focus उस side पर है क्योंकि we have signed a contract in MOU with a Brazilian club, just made they are going to keep our boys for 6 months and they are going to train them over there and then they are going to sell our boys to Asian market. So this is a breakthrough which I'm going to give to Pakistani football, inshallah, in a couple of months. So hopefully we are doing good for Pakistani kids. We are trying to do our level best. Zabardast ho gaya, bilkul. क्योंकि आजकल अमॉन्ग यूथ के अंदर एक दिस बीन अ मूवमेंट फॉर वुमेन्स फुटबॉल एज वेल इन दिस कंट्री, जिसमें काफी सारे जो यंग गर्ल्स हैं, यंग फीमेल्स हैं, दे आल्सो वांट टू टेक पार्ट इन फुटबॉल एंड ट्राइंग टू फॉर्म देयर ओन क्लब्स, देयर ओन एकेडमीज, और दे वांट अदर बिग टीम्स टू आल्सो फॉर्म देयर ओन टीम्स एज वेल. हैज पोपो फुटबॉल क्लब thought about starting its own women's team in the coming years down the line eventually, ताकि जब आपने एक्सपैंड करना फॉर द गर्ल्स मार्केट एज वेल? Popo's women's team started back in 2015. Right now we have a strength of 25 girls. It is a complete team we have. We have a team manager, Myra, as well. So Popo's women's team that is going very good right now. So we have a women's team. Oh, wonderful, wonderful. My apologies for not knowing that. I think shayad maine come across kiya, but I probably just must have slipped my mind. Lekin ye achhi baat hai ki aap women's football ke lihaz se bhi focus karein. That's good. आज का लास्ट क्वेश्चन ये होगा मेरा, जो अभी इस वक्त पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं पाकिस्तानी फुटबॉल के लिहाज से, आई होप दैट हैज नॉट डिसहार्टेंड यू और योर प्लेयर्स और योर स्टाफ, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली. लेकिन यू नो व्हेनेवर थिंग्स आर ऑफिशियली बिकम स्टेबल, एटलीस्ट आपकी टीम, बाकी जो क्लब्स जिन्होंने मेहनत की है, दे कैन ग्रास्प ऑन द अपॉर्चुनिटी. जब भी स्टेबिलिटी आती है, इवेंचुअली इट विल, there has to be a solution to it anyway. So I hope isse aapki koi disheartening nahi hui ho ki yaar hum kahin phans to nahi gaye, kyun hum ye kar rahe hain wagaira wagaira, aisa to aapne kabhi mehsoos nahi kiya? Dekhiye, mere liye to this time is a golden period for my kids. Jis time pe pura Pakistan band hai, us time pe Popo football club jo hai wo kaam kar raha hai youth ke upar. Hamare bachchon ko time mil raha hai to learn from the best aur जब ये बाहर निकलेंगे, जब eventually things will settle down inshallah, तो जब ये निकलेंगे, they are going to be मतलब beasts in front of others, different होंगे सबसे. तो this time for me is a good time for my kids. तो मैं तो positive लेता हूँ हर चीज को. Negative thoughts आते हैं बंदे को, लेकिन आप ये भी तो देखें कि ये political problems जो है पाकिस्तान की football में ये अभी नहीं शुरू हुए. It started back in 2015. ठीक है, तो तब किसी को problem नहीं हुआ, तो अब लोगों को एकदम से प्रॉब्लम हो रहा है. तो दिस इज रॉन्ग एज वेल कि मतलब सारे पॉलिटिकल हो गए.
आपको if you had to say something, you must have said back in 2015, ठीक है, जिस टाइम पे शुरू हो रहा था. तो now you are blaming कि whatever happened is wrong और ये और सब कुछ नहीं. अभी एक different scenario है, ठीक है, अभी मेरे बच्चों के लिए अच्छा है, इसमें हमारे लिए अच्छा है, तो everything is good. बच्चे जितने बोको में आ रहे हैं, they are happy, they are learning from the best. और हम लोग इंशाल्लाह जब सब चीजें सेटल हो जाएंगी, जब हम लोग निकलेंगे बाहर मार्केट में, हम लोग डिफरेंट बच्चे होंगे. एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि पोपो का चूंकि फोकस यूथ डेवलपमेंट पे है, चाहे वो मेंस पे हो या वुमेन्स पे हो साथ साथ में, डस पोपो फुटबॉल क्लब हैव इट्स ओन स्काउटिंग नेटवर्क इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जहां से वो टैलेंट इमर्ज करके और स्काउट करके ला सकते हैं आपकी तरफ? देखिए, पोपो वन मैन आर्मी था कुछ अर्सा पहले, ठीक है, एंड देन आई हैड टू एक्सपैंड माय नेटवर्क बिकॉज I was getting so much of overwhelming responses from everywhere. So मुझे अपने network को expand करना था. So obviously I have scouts all over Pakistan जो मेरी help करते हैं bringing the best talent out to Islamabad. और अभी भी right now where I am sitting is a hostel for boys जहाँ पे 14 बच्चे रहते हैं हमारे, और उन 14 बच्चों में से 10-11 साल के बच्चे हैं, ठीक है, तो they are extraordinary footballers जो इधर हैं मेरे साथ, ठीक है. तो मुझे, मैं मतलब पूरा पाकिस्तान से, we bring boys from all over पाकिस्तान. जबरदस्त जी, बिल्कुल. Haris, thank you so very much for joining us despite the technical issues we're facing. मुझे पूरी उम्मीद है कि पोपो फुटबॉल क्लब will become a name to be and a force to be reckoned with as the years go by in Pakistani football, hopefully when the situation stabilizes. हमारी दुआएं आप सबके साथ हैं, एंड वी होप टू सी व्हेन द पाकिस्तान प्रीमियर लीग इवेंचुअली इमर्जेस, लाइसेंसिंग आप अपनी AFC क्लब लाइसेंसिंग करवाते हैं वगैरह, कि आपकी टीम और जो डिफरेंट अदर टीम्स हैं जो आर फोकसिंग ऑन योर डेवलपमेंट, कि वो पाकिस्तान प्रीमियर लीग के लिए भी खेलें, एंड होपफुली पोपो कैन बिकम ए नेशनल नेम एज वेल एट द हाईएस्ट लेवल. तो इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच अली. और एक चीज मैं मेंशन करूंगा जो आप ऐड कीजिएगा, इट वुड बी अ प्राउड मोमेंट फॉर यू एज वेल, के बैक इन 2017 और 18 आई वाज द वन हु यूज्ड टू मैसेज FPDC टू पोस्ट आवर किड्स ऑन देयर सोशल मीडिया, एंड आई नेवर गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम देयर, एंड टुडे इज अ डिफरेंट स्टोरी. सो थैंक यू वेरी मच. दिस इज द चेंज प्रोसेस, ठीक है, इस तरह हम लोग चेंज हुए. I will fully admit that some of us probably were not reading our DMs that much. मुझे बड़ी खुशी होती है कि when we are proven wrong, बहुत खुशी होती है. मुझे बड़ा मुझे बात. I'm not proving you wrong. I'm just saying कि ये progress है. This is the progress we are trying to make in football in Pakistan. Yeah, कोई बात है ना कि when you hit the big time, everyone wants to chase you. तो मैं समझता हूँ कि जो progress जो हमने भी किया है. Getting you on board. So I hope ke silsila chalta rahe, and hopefully we can see expanding in the years couple of time. Haris bin Haroon, President Popo Football Club Islamabad, thank you so very much for joining us. Khawateen Huzrat, thank you so very much for joining us as well. Umeed hai we'll catch you again next time with another interview, Pakistani football ke lihaz se, in the next couple of weeks and months. So tab tak ke liye khuda hafiz. Main hu Ali Asif, footballpakistan.com ki taraf se. अपना ख्याल रखें और अपने आप को महफूज रखें कोविड के इस दौर में. फी अमान अल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.